रोमन अंक में अगर इसे हम ऐसे लिखते हैं वी ना, वी, इसका मान क्या होता है जानते हो? गिनती में इसका मान क्या होता है? आप सबको पता होगा, उमेश गुप्ता जी मालूम है ना, रुचि साक्या, जिया खान, आमिर अली, इसका वैल्यू 5 होता है ना। एक बड़ी अजीब चीज आज मैं बताने वाला हूँ। ए भाई लाइट कम हो गई का? मैं बड़ा खराब टाइप का दिख रहा हूँ क्या? मुझे ऐसा लग रहा है लाइट बहुत कम हो गई ना, मुझे लग रहा है। अगर ये वी के ऊपर ऐसे लाइन खींच दिया तब इसका मान क्या हो जाएगा, क्या आप जानते हो? स्नेहा सिंह, हाँ जी बताइए। अगर इस पर एक बड़ी लाइन खींच दिया तो इसका मान कितना हो जाएगा, जरा सोचिए और बताइए। मैं आपको बताता हूं, देखिए मैं बताने वाला क्या था वो बताता हूं। अगर इस पर एक बड़ी लाइन खींच दिया जाए ना साथियों, तो इसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है, 1000 गुना बढ़ जाता है, ये चीज याद रखना। यानी 5 को आप 1000 से गुणा करिए, मतलब 5000, समझ रहे हो ना? अगर किसी भी रोमन नंबर के ऊपर, मतलब इस सिंबल के ऊपर ऐसे पड़ी लाइन खींच दिया, उसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। बात पक्की? आगे बढ़े, ठीक है, ये चीज याद रखना। दूसरा बात, क्या हम ये रिवीजन हो रहा है डीएलएड वालों का? क्लास कोर्स खत्म हो गया, क्लास नंबर 32 तक सब खत्म हो गया, जा करके आप उसे देख लीजिए, सब खत्म है, ये रिवीजन चल रहा है। अगर हम ऐसे लिखते हैं यक्स यक्स यक्स, तो क्या इसका कुछ मान होगा? ये रोमन अंक है। और अगर ट्रिपल एक्स लिखते हैं तो इसका मान क्या होगा? डबल एक्स लिखते हैं तो इसका मान क्या होगा बताइए? एमडी हाजमा, आरती चौधरी, आयुषी राजपूत, अफनेहा, रुचि, फराना, एमडी हाजमा, बताइए बताइए बताइए, हमजा, सॉरी। देखिए अगर सिंगल एक्स होता है साथियों तो इसका मान 10 होता है, डबल एक्स होता है तो इसका मान 20 होता है, ट्रिपल एक्स होता है तो इसका मान 30 होता है। अब कुछ लोग कहेंगे हाँ गुरु सही बताया, 4 बार एक्स है तो मान 40 हो गया। नहीं रुको, इसमें कुछ लिमिट है, इसमें कुछ लिमिट है, एक मिनट थोड़ा सा रुकना, हेलो थोड़ा रुकना, चलिए ठीक है आगे बढ़े। हाँ ओके, तो मैं क्या बता रहा था प्रिय साथियों, मैं ये बता रहा था कि जो 4 बार यक्स यक्स है ना, ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि रोमन अंक का नियम होता है कि कोई भी, मतलब जो ये लेटर हैं इन्हें 3 से अधिक बार रिपीट नहीं किया जा सकता है, मतलब आप 4 बार नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, 4 टाइम आप इसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर? तो ये नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, गलत है, ऐसा रोमन गिनती में कोई मान नहीं होता है, ठीक है। ये मैं आपको रोमन अंक का कुछ मूलभूत बातें बता रहा हूं। आगे बढ़े, ये बताइए 50, 50 को रोमन अंक में कैसे लिखते हैं, लेटर क्या है इसका, कौन सा सिंबल है, बोलिए क्या है, कोशिश करिए भाई। कमेंट देखने के चक्कर में ना बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, ये लोग कमेंट के पीछे पड़े तो रहते हैं लेकिन मैं कमेंट देखता हूं तो बहुत गड़बड़ हो जाता है, टाइम इसमें लग जाता है। ठीक है, आयुषी, बहुत अच्छे, यल, कैपिटल यल, यल मीन्स लायन, लेकिन उससे एक नीचे अगर आ जाए 49, तो 49 का क्या होगा, 49 का क्या होगा बताइए? चलिए इनके कुछ रूल पे चलते हैं। भाई ये तो एकदम से
परेशान करके रख दिया लौंडा इसको, मैं क्या बताऊं आज। एक मिनट आप लोग रुक जाइए भाई, कुछ जरूरी है, एक मिनट रुक जाइए, निवेदन है। तब तक आप लोग ये बताइए इनके रोमन अंक बताइए, 65, 68 और 75 इनके रोमन अंक बताइए, बताइए जवाब दीजिए फटाफट, कहीं जाना नहीं, कहीं जाना नहीं, बताइए बताइए। 49 बहुत अच्छे भाई जी, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। और कोई एनीवन? सर ब्लॉक कर दो, किसको ब्लॉक कर दें भाई? ठीक है बहुत अच्छे, शिवानी वेरी गुड, अंसारी जी बहुत अच्छे, और आमिर अली ठीक है। हाँ तो पहला नियम मैंने बताया कि कोई भी लेटर को 3 से अधिक बार रिपीट नहीं किया जा सकता है, जितनी बार संख्याओं को दोहराते हैं मान उतना ही बार जुड़ जाता है, ठीक है समझ रहे हो ना। जैसे ये यम का मान जानते हो क्या होता है, बोलो यम का मान जानते हो क्या होता है, बोलो यम का मान। और इसी तरह से साथियों मैं आपको बताऊं, यम का मान जो है बहुत अच्छे वेरी गुड जो बता रहे हैं 1000 होता है ना, ये लेटर जितनी बार रिपीट होता है उसके मान उतना गुना मतलब उतना उसमें जुड़ जाता है, जैसे 2 बार रिपीट हो गया ना तो ये 1000 था तो 1000 में एक और जुड़ जाएगा क्योंकि 2 बार हो गया डबल, यानी इसका मान फिर 2000 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अनु शुक्ला बहुत अच्छे वेरी गुड ओके ठीक है क्लियर। अच्छा आगे बढ़े, बहुत अच्छे बहुत अच्छे वेरी गुड। अच्छा ठीक है, रिवीजन आप लोग कर रहे हैं ना, रिवीजन कर रहे हैं ना, तो कुछ और बताइए। 3.592 इसमें आप 9 का प्लेस वैल्यू बताइए, 9 का स्थानीय मान बताइए, जल्दी करिए, अब आपका एक नया बैच शुरू होगा, अब रिवीजन में मजा नहीं आ रही, मन नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें कितनी पढ़ाया जाए वही सब। और होली का माहौल चल रहा है इसमें, वैसे भी बच्चे नहीं जुड़ेंगे, कोनो गुजिया बना रहा है, कोनो पूड़ी छान रहा है, कोनो कुछ और बना रहा है, तो पढ़ाई वढ़ाई में कहाँ मजा आ रही है, गाना लगा के रखे होंगे होली वाला, रंग उड़े ले रंग अलग गुराल, तो कहां से इसको करेंगे, पढ़ेगा कौन। जो 90 बता रहा उसका गलत है, जो 90 बता रहा है उसका गलत है। आओ चलो भैया हो, इनका 90 तब होता जब ये 3592 होता, यहां पर दशमलव है, बीच में पॉइंट लगा है, बीच में पॉइंट लगा है, इसका होगा 0.9। कैसे होगा क्यों होगा, मैं खूब पढ़ाया हूँ, खूब पढ़ाया हूँ, अगर आपने कभी पढ़ा रहा होगा तो। नहीं पढ़ा था तो बात जानो आप, भगवान जाने, हम नहीं जानते, ठीक है। और रेफनल इरेफनल में पढ़ाया था, ये बताइए अंडर रूट 125 और अंडर रूट 121 क्या इन दोनों में कोई परिमेय संख्या है, अगर है तो कौन, क्या इन दोनों में कोई रेशनल नंबर है, अगर है तो कौन। गुजिया बना के आ रही है, मैं जान रहा हूं क्योंकि ये इंडिया वाले हैं, ये होली के दिन दिवाली के दिन जो भी बनाना रहता ना एक दिन पहले बना लेते हैं, खाने पीने में आगे रहते हैं, काम में भले पीछे रहेंगे, कल जो काम करना है उसे परसों करेंगे वो ठीक है, 2 दिन बाद करेंगे, लेकिन खाने वाली बात है तो
त्योहार कलित बना जा जाएगा, उसमें पीछे नहीं होना है। और विशेष रूप से गर्ल्स में अगर देखें तो फिर उनको खाने का अलावा करना ही क्या है ना। जैसे इसमें कुछ लोग हैं तो इसमें रेशनल मैंने पूछा कौन है, परिमेय संख्या कौन है, 121 ना, ये परिमेय नहीं है भैया। 125 का कहां से होगा, 125 इसका तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या निकलेगी क्या, कोई निकलेगी क्या, मुझे तो नहीं लगता है। इसका 11 होता ना, 11 ग्राम में 121, जिसका वर्गमूल पूरी तरह से निकल जाता है, जिसका वर्गमूल पूरी तरह से निकल जाता है वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती नहीं थी, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, ओके आगे बढ़े। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, खाए रही है, खूब खाए रही है। हाँ 15 किलो की जगह 55 किलो हो जाइए, अच्छी बात है। अब चलिए आगे देखिए, 175 और 900, इन दोनों में कौन इरेशनल नंबर है, इन दोनों में कौन इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या कौन है। अब देखिए जिनको वर्गमूल घनमूल आ ही नहीं रहा है, प्रॉब्लम उनके लिए है, उनके लिए मुसीबत है। भाई रुक जाओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट लड़का है। हेलो, हाँ हिमांशु, अब आप इंतजार करिए, ठीक है, 1 घंटा। हाँ हाँ नहीं तो सुबह तक, क्योंकि इस टाइम तो आप पढ़ोगे नहीं रात में। हाँ हाँ तो ठीक है रखो फिर, ओके। हाँ भेज दिए हो, अब इंतजार करो, ठीक है, आप भेजे हो तो पहुंच गया होगा, ठीक है, ओके। भाई अब रात हो गई, रात में कोई फोन नहीं उठाता है, लेकिन आपको पता है कि इस समय ऑफर चल रहा है तो लड़के परेशान हैं, उनको मुझे झेलना पड़ता है, जरूरी है, समझ रहे हो। हाँ इसमें जो करेक्ट आंसर है 175 है, जो 900 बता रहे हैं उनके खोपड़ी में अभी कुछ दूसरा चल रहा है। वो संख्या जिसका पूरी तरह से वर्गमूल निकल जा रहा है या घनमूल निकल जा रहा है वो परिमेय संख्या हो जाती है, वो अपरिमेय नहीं रह जाती है, समझ रहे हो ना। तो आगे एक चीज और देखिए, 7/0, इसका बी मान लो मैंने कह दिया, और एक ए है 0/7, इन दोनों में कौन रेशनल नंबर होगा। अगर ये होगा तो बोलो ए, और अगर ई वाला परिमेय संख्या है तो लिखिए बी, लेकिन कोई बी भी नहीं लिखेगा, एक ही बार लिखना बस, बताइए, जवाब दीजिए फटाफट। ये सब रिवीजन हो रहा है, अगर छोटे छोटे आप लोग इनको समझ जाएंगे ना, रट जाएंगे ना, बिल्कुल कहीं टेंशन नहीं लेना, फिर तो आप तीर मार देंगे आसमान में, बिल्कुल हैरान नहीं होना है। 912 का 25% कितना है, आप बताइए। अंसारी जी बहुत अच्छे, वेरी गुड। आरती चौधरी, कृष्णा सिंह, प्रियंका और फिजा खान, मतलब क्यूट वाली फिजा खान, चलो ठीक है, बहुत अच्छे। यानी कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, जो बी बता रहा है ना उसका बुद्धि में कुछ मिस्टेक चल रहा है। ए वाला सही है भैया, हो परिमेय संख्या में पढ़े थे बाबू राजा आप लोग, कि ये पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हो, वो परिमेय संख्या है, लेकिन वहां एक कंडीशन थी कि जहां क्यू डज नॉट इक्वल 0, क्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अगर ये हो गया तो अधर्म हो गया, पाप हो गया, फिर यहाँ पे क्या क्यू 0 के बराबर है नहीं, तो ये रेफरल नंबर नहीं हो सकती है, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती है इस नियम के अकॉर्डिंग। तो ये ए वाला सही है, जो पहले बी 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 बता रहे थे ना, मैंने बोला था ना बी बी मत बोलना, गड़बड़ कर दी ना, तो ये सही है वो गलत है। इसमें मैंने पूछा कि इसका 25% कितना होगा, ये देखो अंसारी जी का 75% आ रहा है, मतलब इनके बुद्धिया घास चरे गया जो कहा थे। अरे इसमें खुद परसेंटेज का मान निकालना है तो ये खुद परसेंटेज में आंसर बता रहे हैं, हाँ खुद परसेंटेज में आंसर बता रहे हैं, जैसे कहीं ना
एडमिशन करवाने के लिए गए कॉलेज में, गुरुजी एक क्वेश्चन पूछे तो पूछे का तो कहा क्वेश्चन आओ जन्म से पूछा था हाँ तो कहना तुमसे क्या पूछा था, तो क्या करनी है गुरु जी कहीं जा प्रणाम तो का जा लेकिन नहीं है। वही हाल है इनका। 912 कुछ लोग ट्राई करे हैं, कुछ लोग तो कोशिश भी नहीं करे हैं। 25% करना है इसको, 25 से गुणा कर दीजिए और भाग कर दीजिए 100 से, काट दीजिए 25 से कम 25, 25 चौका 100। जिनको आप पहाड़ा वाड़ा नहीं आता है उनके लिए क्या करें, तो ये 912 और ये 4, 4 से कट जाएगा क्या, ये 4 दूना 8, ये 4 दूना 8 नहीं कटेगा ना, ये 228 कैसे बता रहे हैं सब भाई, 4 से कट जाएगा क्या, ये 4 दूना 8 बचा एक, ये हो गया 11, 4 दूना 8 हाँ कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 8 32 यानी 228 आएगा, 228 आएगा। ए भाई साहब थोड़ा सुना, ये 228 सही है कि गलत है, हम ये भी निकाल सकते हैं, ये गलत है कि सही है हम ये भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम मैथ का स्टूडेंट है, हा? बाप से बेटवा पता कर सकते हैं, बेटवा पकड़ के बाप का पता लगा सकते हैं। ये रियल में होता साइंस में, आपको मालूम है कि नहीं, डीएनए टेस्ट होता है, अगर आपके पिताजी आप लोगों की नहीं बनती है कहीं कहते हैं तुमको कुछ नहीं देंगे कौड़ी नहीं देंगे, तुम तो मेरा बेटौने नहीं है, तुम जाके डीएनए टेस्ट करा दो, पिताजी खुद गड़बड़ हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो ये साइंस में आजकल चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं कह सकते भाई, कुछ लोग तो ऐसे भी मुफ्त में पिता बन जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं हमारे बचवे ना ये, तो वो बाद में फंस जाते हैं। अरे पिता ही नहीं माता का भी होता है, नहीं तो सब लोग पिता को लेके खुश हो। आइए देखते हैं ये सही है कि गलत है, इसको भी देख लेते हैं इधर साइड में। अब यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा बन रहा है कि 912 का दिख रहा है ना कितना परसेंट 228 है, 912 का कितना परसेंट 228 है, इसको यहां से कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे ना। आइए ये अभी आंसर आ जाएगा 25%, मैंने आपको इसमें बताया था परसेंटेज बराबर पूर्णांक, यानी उस संख्या को गुणा करोगे 100 से और भाग किससे करोगे, जो पूरी पूरी नंबर है 912 से, ये जो आएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा, हल कर लेंगे ना, कर लेंगे ना। अब देखिए ये अभी अभी ये डिवाइड हो गया था कंप्लीटली ना, 4 से ये डिवाइड हो गया था, तो भाई काट दो 4 से, 25 आ गया, 4 से ये भी कटा था ना, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 8 32, ये 228 से 228 कट गया, फाइनल में 25 बचा है, 25%। सबको समझ में आया कि नहीं, हुआ ना बात, मतलब पिताजी से पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र जी से पिता की प्राप्ति हो गई, यानी क्वेश्चन से एक आंसर आया था और इस आंसर से लेकर के फिर क्वेश्चन आ गया, ये मैथ है, मैथ और साइंस में ऐसा होता है। यानी 912 का 25% निकाला तो 228 आया, फिर अगला क्वेश्चन था कि 912 का कितना परसेंट 228 है, तो 25% है, समझ गए ना, लिख लीजिए फटाफट, ये चीजें आपको आनी चाहिए इसमें। तो ये हो रहा रिवीजन, वैसे तो मन नहीं लग रहा है, छुट्टी उट्टी चल रही, सब भाग गए हैं, लेकिन मैं ही अपने आप को सता रहा हूँ यहाँ पर अकेले, बाकी सब लोग गए हैं, सब लोग की छुट्टी है 3-4 दिन तक, मैं सोच रहा हूँ छुट्टी इकट्ठे लिया जाएगा। वैसे भी तो 50 लोग देख रहे हैं, सैकड़ों लोग अभी बेसिक वाले में आए थे, तो इन लोग का क्या होगा, हम जाएंगे तो हम जाएंगे तो इन लोग का भविष्य चौपट हो जाएगा, वैसे भी नहीं पढ़ते ये कभी, कम से कम रात में थोड़ा बहुत तो पढ़ लेते हैं। तो ये सब आप लोग कर लेंगे, चर और अचर पद को जोड़ना घटाना कर लेंगे आप लोग, परसेंटेज में तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। परसेंटेज में बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे ना आप लोग।
एक मिनट रुकिए, मैं कुछ और चीजें आपसे पूछता हूं इसमें से। हाँ एक और बताइए, एक और बताइए। वो क्या है, 3/5 और 8/3 और 7/2, इनका HCF कोई बता पाएगा? HCF बताइए क्या होगा, क्या होगा इनका HCF, बोलिए, सोचिए और बताइए क्या होगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए हम इस क्लास को स्टार्ट इसलिए कर दिए क्योंकि लोगों की उम्मीद होती है कि हाँ इस टाइम पे चलेगा चलेगा चलेगा, जैसे होता नहीं सीरियल आता है टीवी में, हाँ भाई सास बहू वाला आने वाला 11 बजे, तो लोग तैयार रहेंगे पहले से, मुंह धुल के बैठे रहेंगे। हाँ तो वही हिसाब से हमारे कैंडिडेट होते हैं जो पढ़ने वाले, वो भी इसी उम्मीद में रहते हैं कि 10 बजे आएंगे 10 बजे आएंगे, हम नहीं आएंगे तो बड़ा मायूस हो जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे भाई, लीजेंड जी, वेरी गुड, प्रीति क्रिएशन, आरती, अनुपम, HCF में क्या करेंगे साथियों, ऊपर वाली नंबर का HCF निकालेंगे, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे तीनों कट जाए तो 1 आएगा, नीचे वाली नंबर का LCM निकालेंगे, 5 × 3 = 15 × 2 = 30, 1/30 आएगा, 1/30 आएगा, केवल 30 नहीं आएगा भैया। ऊपर वाले नंबर का क्या होगा, HCF होगा, अंश का HCF होगा तो 1 आएगा, हर का LCM होगा, 1/30 आएगा, सिर्फ 30 नहीं आएगा। ठीक है क्लियर, तो ये बताइए, इसमें तो आप लोग काफी चीजें समझ गए हैं, ईमानदारी से बताना, बहुत अच्छा पॉइंट में पा गया हूँ अच्छा वाला। ये बताओ कि 18 के कितने अपवर्तक हो सकते हैं, संख्या 18 के कितने अपवर्तक हो सकते हैं, विभाजक, अपवर्तक या फैक्टर कितने हो सकते हैं और वो कौन कौन से हैं, बोलिए, संख्या 18 के अपवर्तक की संख्या बताइए कितनी हो सकती है, कौन कौन हो सकती है, जवाब दीजिए फटाफट खटाखट बताइए। चलिए देख लेता हूं, माहिरा, मैं आ रही हूँ गुजिया खाने, ए गुजिया खाने गए तो गड़बड़ जान लो फिर, अभी पहले पढ़ लो जाना, कोशिश करिए गुजिया बाद में खाना, चलो कोशिश कर लो भाई, कोई मेरे लिए अभी बचा के रखना, एक आध दो ठी हम भी आएंगे। हाँ देखो जिसका घर नजदीक है उसके यहाँ आएंगे जरूर बिना बताए, इनका भी बताइए, और इनका भी बताइए, और इनका काहे ना बताओगे। इसमें अगर सबसे पहले कोई जवाब दिया है तो उनका नाम है फिजा खान, मतलब क्यूट फिजा खान, सॉरी, 2/6/9/18, ये भैया कौन दुनिया में जी रही, 2/6/9/18, काहे 3 नहीं होगा का, गलत है इनका, गलत है। गौतम पटेल, 1/2/3 6/9/18, वैसे आपका सही है गौतम जी लगभग, प्रीति का भी गलत है क्योंकि प्रीतिया जो है ना ये भी नकल कर रही है ऊपर वाले का, आयुषी, अब जब फिजा खान गलत बता दी तो आयुषी गलत काहे ना बताए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इनका भी गलत है, देखिए इसमें क्या है, प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा इन्होंने एक डिजिट छोड़ दिया था बस, बाकी ठीक है, आप लोग अभी एक में पटक रहे हो खोपड़िया, चलो 2/4 थी बता दो आगे, इसका 1 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6, 9, 18, संभव फैक्टर का मतलब ये नंबर कितने नंबर से मैक्सिमम कट सकती है, देखिए ये सब यही होता है दोस्ती में, एक लोग गलत आंसर बता दिए सब गलत बता दिया, ऐसे तो होता ना पेपर में जो लोग नकल वकल करते हैं, टीपी टापा करते हैं, हाँ जो गुरु जी भी जान जाते हैं सब एकदम बेवकूफ है, कहते हैं ना नकल करने में भी अकल लगती है, जो अकल तुम्हारे पास है ही नहीं तो नकल भी नहीं कर सकते हो।
इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं पॉसिबल? भैया लीजेंड वाले को ब्लॉक करो, तो अभी इसको दूसरी चस्का चढ़िए, अभी इसको पढ़ना नहीं है, अभी इसको दोस्ती चाहिए, समझ रहे हो ना? नाम भी इनका वैसे है अच्छा सा। इसके फैक्टर 1, 5 और क्या क्या हो सकता है जिससे ये कट सके? हमें तो नहीं लगता इसका और कोई साथी है, ये खतरनाक है, इसके 2 या 3 ही दोस्त हैं। 1, 5, 25 और इसके कितने कितने हो सकते हैं? 1, 2 4 से भी कट जाएगा ना ये, 4 से, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी 14 और 28 ये सभी क्या है? इनके पॉसिबल फैक्टर है। रुचि श्रीवास्तव जी बिल्कुल, मैथ की नैया पार ही नहीं होगी, मैथ में नैया नदिया के उस पार सूखा में भी चलेगी, बस आप पीवीआर स्टडी में रेगुलर जुड़े रहिए, सीरियल बाय सीरियल सारे कोर्स देखिए, वीडियो नैया पानी में नहीं सड़क पे भी चलेगी फिर, लेकिन पढ़ेंगे तब, नहीं तो नैया डोलबे ना करेगी। आगे बढ़े, अगला देखिए भाई, एक को छूट जाएगा तो बता देना, कोई नंबर ऐसा जिससे ये कट रहा हो और अपने मैंने ना लिखा हो, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा है कोई। प्रिया कुमारी जी बहुत अच्छे, आयुषी 39 इन्होंने कहा है, 1, 3, 9, 27 अब की बार मैं इनकी नकल करके लिख दिया हूं, मुझे लग रहा है इन्होंने सही बताया है, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, सही है, इसमें से आयुषी ने सही बताया, बाकी इन लोगों ने सब गलत गलत बता रहे थे। अब इनको एक इनाम मिल गया आयुषी जी को, चलिए देखिए अब इनका जो कमेंट है ना वो सब लोग से अलग आएगा। आप लोग समझ गए नहीं, पहले तो ये बताओ कि आप लोग ये फैक्टर समझते हो कि नहीं जो मैंने लिखा है, सबको मालूम है ना, पक्का मालूम है 100%। चलो ठीक है, फिर एक थी और बताओ, इधर थोड़ा आगे 64 का बताइए, कितने इसके फैक्टर हो सकते हैं? इंटरेस्टिंग लगी मैथ मेरी वजह से रुचि जी, देखिए मैं पहले भी बताया था कि मैथमेटिक्स में ना हम लोगों की मोहब्बत करवा देते हैं, मतलब दूसरी भाषा में बोलें तो प्यार करवा देते हैं, लव करवा देते हैं, किससे? मैथ से और किसी से नहीं, क्योंकि और कोई तो है नहीं प्यार करने लायक। तो मैथ में अगर आप रेगुलर हमारे साथ आते हैं तो कुछ दिन बाद देखेंगे सोते जागते उठते बैठते इन्हीं का ख्याल आएगा, और जिसका इतना ख्याल आता है उसका मतलब उससे हो गया कुछ कुछ, समझ रहे हो ना, तो रेगुलर क्लास में आया करो। चलिए आगे बढ़े, ये क्या करना है, हमने कहा इनके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, देखिए आप लोगों में से कोई नहीं बताया, सबसे पहले ये माहिरा जी बताई हैं, दांत और मुंह सब खोल के सब गलत है इनका, आई से करी मक्खी घुस जा चाहे, और कोई एनीवन, स्नेहा सिंह अंसारी, देखिए जो लोग बता रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ सभी फैक्टर बताओ ना, जितने पॉसिबल फैक्टर हैं आपको सब बताना है, द्विठी एकठी नहीं बताना, जैसे कहा जाए कि तुम्हारे कितने भाई बहन है और पता चले आप लोग 15 भाई बहन है और बता दिए 3 ठौरे के नाव, तो चाटी गरिया आएगा, हमारा नाम कहने बताए, आप लोग कहोगे 15 कहाँ होते हैं आजकल भाई, हम लोगों को विश्वास नहीं होगा, हमारी एरिया में एक लोग हैं मास्टर जी, उनके 12 बेटवा और 5 बिटिया हैं, 12, 5, 17 समझ रहे हो ना, कुछ दिन बाद वो एक गांव बसा लेंगे और फिर एक आध दो पुश्त बाद ना वो एक ग्राम सभा ग्राम पंचायत बना लेंगे अपने घर में, समझ रहे हो कि नहीं, तो ये होता था आज के 20 साल पहले, लेकिन आजकल लोगों की अपनी जिंदगी चली नहीं रही है तो 12-15 लड़का कहाँ संभालेंगे। इनके पॉसिबल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 तो होगा नहीं, 4 भी हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 6 कौन बता रहा है, ये कौन है, एक मिनट, ये गलत है,
इनका गलत है भाई जो छह बता रहे हैं। ठीक है, आठ भी हो सकता है, नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह सोलह भी हो जाएगा, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता होगा कुछ। एक मिनट बताऊंगा अभी। उनमें से जो लोग कह रहे हैं काबिल की बात ना, जो मैंने अभी कहा था कि 18 ना, अरे वो मास्टर जी हैं, गुरु जी, उसमें से कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, एक से एक सब हैं भाई, लाखों में नहीं करोड़ों में इनकम होती है। कोई भी ऐसी सुख सुविधा जो है नहीं, जो उनके घर में हो नहीं। कुछ लोग सोचे होंगे एक ठी पंचर बनाता होगा, एक ठी ठेला लगाता होगा और एक ठी घास छीलता होगा, एक ठी भैंस लगाता होगा, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन जो मुख्य ड्राइवर है ना, उनके पिताजी, उन्होंने कमान संभाली तो इतना हो पाया। अब ऐसे पिता होते तो गड़बड़, समझ रहे हो ना। तो ज्यादा बड़ी फैमिली कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ईमानदार, समझदार और संभालने वाला इंसान होना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये ठीक है, हो गया। इसमें और भी कुछ बचेगा क्या, समझ रहे हो कि नहीं। ये भाई फिर से आ गया है ना, स्टेप बाय स्टेप। बताइए, जवाब दीजिए। आइए आगे बात करते हैं, धीरे धीरे हाई फाई करेंगे, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन। एक और बी वाला, सूखा तो है ना ये। थ्री प्लस यक्स इक्वल माइनस का फोर, इसमें यक्स का वैल्यू क्या आएगा, सोचिए और बताइए। मुझे लिखना है जहां मैंने लिखा उसके उधर है लिखना, इधर नहीं लिखना है, बस मुझे ये याद रखना है बस। ठीक है भैया, बहुत अच्छे। परदुम कश्यप जी वेरी गुड, वर्षा यादव जी बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है भाई, किलर जी भी आज जुड़ चुके हैं, अच्छी बात है, सुंदर बात है। चलो देखिए साथियों, इसमें एक वेरिएबल है, दो कांस्टेंट है, हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी एक्स का मान निकालना है। हम क्या करेंगे पता है, इनको ऐसे का ऐसे एक्स को रहने देंगे और बराबर का जगह बराबर लगाएंगे, इधर साइड जो नंबर है उसे वैसे रहने देंगे, इधर साइड जो दो है उधर जाएगा, तो इधर प्लस है उधर का माइनस हो जाएगा, मतलब चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, बात पक्की है। अब ये यक्स बराबर इसमें से घट जाएगा, वन आ जाएगा। इतना सबको समझ में आ रहा है, इसमें किसी को कोई तकलीफ तो नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलें आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अच्छा है, चलो चलो ठीक है, समझते हैं। इसमें देखिए ये एक्स जहां भी है, क्योंकि हमें यक्स का ही मान निकालना, याद रखना, ऐसा नहीं कि ये पहले था इसलिए यहाँ एक्स लिखा था, नहीं, ये कहीं भी है, हमें यक्स का ही मान निकालना है ना। इसमें सरल करने का मतलब क्या, जो अज्ञात राशि है उसी का मान निकालना है। भैया फोर तो पहले से पता, तीन तो पहले से पता, इसका क्या निकालेंगे। जिसका नाम ही बदनाम है उसकी इज्जत कहां बची है। आओ देखो, तो ये क्या करेंगे, यक्स को लिखेंगे, ये फोर को ऐसे लिखेंगे माइनस के साथ, और ये थ्री उधर जाएगा तो माइनस का थ्री हो जाएगा, तो यक्स का मान आएगा माइनस का सात। याद रहे, अगर कोई भी दो राशि माइनस माइनस में जुड़ती है तो क्या होता है पता है आपको, अगर कोई दो राशि माइनस माइनस जुड़ती है तो वो प्लस नहीं होती है, वो प्लस नहीं होती है, वो माइनस में ही आंसर आता है। लेकिन एक चीज और बता दो, छोटा सा है, अगर माइनस का तीन का गुणा माइनस का पांच में होगा तो क्या आंसर आएगा, प्लस में या माइनस में, बोलिए आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, जरा सोचिए और बताइए। बहुत अच्छे डॉली राजपूत जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई परदुम, आरजू जी बहुत अच्छे, वेरी गुड, कोशिश करते रहिए, बिल्कुल लगे रहिए। ठीक है, तो साथियों जब हम मल्टीपल करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, लेकिन जोड़ने घटाने में ऐसा नहीं होता है। जो पुराने स्टूडेंट हैं पीवीआर स्टडी के, उन्हें सब पता है, क्योंकि वो धैर्य से काम लेते हैं और पढ़ते हैं प्यार से, उन्हें सब मालूम है। आइए आपको भी मालूम हो जाएगा।
एक और देखिए, 15 अलग तरह का है, 15 बराबर ए प्लस और माइनस का 12। अब बताओ इसको कितने लोग कर लेंगे, सोचिए और बताइए। कर लेंगे ना, एक बार सोचिए, एक मिनट का काम है, आधा मिनट का, इसको भी बताइए। चलिए देखते जाइए, 11b इक्वल बी माइनस का 3। ठीक है, लखविंदर सिंह जी बहुत अच्छे, वेरी गुड, आपने कोशिश किया। प्रियंका ठाकुर आ गई आप, चलिए कम से कम आई। तो यहां समझिए, हमें क्या करना है, जो नहीं मालूम है, अज्ञात राशि है, उसका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे भैया, ये इसका दो तरीका है। एक तो ये कि इनकी पूरी फैमिली को इधर ले आओ, इनको पूरा उधर लिए जाओ और फिर एक मान निकाल लो। और एक तरीका ये है कि इनकी फैमिली को बिल्कुल ना छेड़ो, जहां है वहीं रहने दो और वैसे अपना काम चला लो। तो भैया वैसे चला लेते हैं, चलिए इन 15 को ऐसे लिख देंगे। और लेकिन कुछ लोग अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब फ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे हो गया। एक लाइन और बढ़ा देते हैं, चलिए 15 ऐसे, ए ये प्लस है ये माइनस है, कोष्ठक खुल जाएगा तो माइनस हो जाएगा 12। अब तो कंफ्यूज नहीं होंगे ना। तो ये 15, अब ये माइनस का 12 इधर आ जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, बराबर का बराबर ए, बस जुड़ जाएगा 29 आ जाएगा। क्यों भैया जुड़ेगा तो 29 आएगा, 27 आएगा ना, 27 आएगा, प्लस में आएगा माइनस में नहीं। यानी 27 आ जाएगा, इसका मान यहां से कहीं से भी लिख सकते हो, ए का मान 27 आ गया, वहां जगह कम थी इसलिए मैंने इधर लिखा है। दिमाग की बत्ती जल रही है, एक बंद हो गई, बुझ गई। आप लोगों के डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के छात्रों सुन लीजिए, आपका कोर्स खत्म हो गया है। ये मैं बेसिक मैथ के उद्देश्य से पढ़ा रहा हूं, अगर आप बीटीसी यानी डीएलएड कर रहे हैं तब आपके लिए भी सही है, क्योंकि आपके सिलेबस में ही है। लेकिन अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो आपके लिए भी ठीक है, क्योंकि ये मैथ वालों के लिए भी बेहतर है, क्योंकि ये हर जगह काम आता है। इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें देखो भैया बी बी दो जगह है, बी बी मैं रुक रुक के बोल रहा हूँ, बी बी नहीं मतलब समझना। तो ये बी बी वाले क्या करेंगे, इनको पहले इसे लिख देंगे, और भैया जो बी बी वाले हैं दोनों एक में आपस में मिल जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, तो ये भी बी बी हैं, मतलब बी हैं, तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस का बी, समझ रहे हो, बीच में बराबर की जगह बराबर, ये माइनस की जगह पे माइनस का 3 जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखो समझो, ये प्लस का 11 भी, ये माइनस का, तो ये घट जाएगा आपस में, सबट्रैक हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 बी बराबर माइनस का 3। तो बी बराबर इधर इसके साथ 10 गुणा में है, इधर जाएगा भाग में, हो जाएगा माइनस 3/10, माइनस 3/10 आएगा। पूजा मौर्य जी बहुत अच्छे, ठीक है कोशिश करते रहिए, ट्राई करते रहिए, आएगा कभी ना कभी तो आएगा ही। ठीक है कोशिश करते रहिए, सभी जितने भी छात्र जुड़े हैं इस क्लास को लाइक जरूर करें, आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसे निभाते जाइए, ऐसे मजा नहीं आती है। समझिए अपनी जो आपकी जिम्मेदारी है। चलिए तो ये हो गया, मिटाऊं अगला क्वेश्चन के लिए, दिल थाम के बैठना, मतलब पकड़ के, भागने ना पाए, इधर ही लगा रहे कहीं और ना लगे। ये है समीकरण, इक्वेशन, जिनको कुछ नहीं आता समीकरण में वो यहां से सीख सकते हैं, y-6=0। अच्छा तो तुम भी आ गई, अच्छा है, प्रीतिया आ गई वो बोल रही, चलो ठीक, y-6=0, इसमें y का मान क्या आएगा, क्या आएगा, अगला है 3+g=3। सब आ रहे हैं धीरे धीरे, अभी कोनो कोनो रंग छुड़ा के आ रहा है, कोनो पुत्र के आ रहा है, लेकिन आ रहे हैं सब धीरे धीरे, जग रहे हैं, मतलब सो गए थे ना एक बार, ये भांग वांग तो नहीं पियो ना, लगाए हो।
वाई का मान क्या आएगा, सिक्स आएगा, क्या आएगा सिक्स, वाई इक्वल जीरो प्लस सिक्स, क्योंकि ये इधर जाएगा जब दूसरी साइड जाता है बराबर के तो क्या होता है प्लस हो जाता है, समझ रहे हो ना, क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, यानी इधर जो माइनस में है उधर जाता है तो क्या होता है प्लस हो जाता है, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे एक प्रकार समझ लीजिए, जो लड़कियां होती हैं गर्ल्स जब अपने घर में रहती हैं तो सारा काम करती हैं, चौका बर्तन मांजना धोना लीपना पोतना सब करती हैं, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है अपने ससुराल जाती हैं तब छी 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 ओ माय गॉड ये तो बड़ा गंदा है हम नहीं छुएंगे इसे, समझ रहे हो, देखे हो ना, कुछ लोग महसूस किए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर बीच में अपने माइक आएंगे तो फिर सब करेंगे, लेकिन वहां जाने के बाद ना 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 हम इसको तो कभी काम किए ही नहीं जिंदगी में, वन पॉइंट टू एक्स प्लस थ्री इक्वल इसमें और लिखिए 4.2, आप बताइए कितना आएगा, कोशिश करिए कितना आएगा, आप लोग कर लेंगे सभी कर लेंगे मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें आप सभी समझ रहे हैं ना। तो अब हम चलते हैं द्विघात वाले समीकरण पे, ठीक रहेगा ना, इसको भी बता देते हैं, देखिए पॉइंट में है ये एक्स इसके साथ लगा है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसके साथ में जैसे भी लिखा है बराबर की जगह बराबर 4.2, ये प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1.2x इसको इसमें से घटाएंगे सबट्रैक्ट करेंगे, आप बताओ कितना आएगा सबट्रैक्ट करके, भाई कितना आएगा, देखिए ये 4 रुपया 20 पैसा है या 3 रुपया है, इसमें से घटेगा तो 1 रुपया 20 पैसा बचेगा, यानी 1.2x यहां से x बराबर निकालेंगे 1.2, ये बेचारा इधर जाएगा 1.2 हो जाएगा, 1 आएगा, क्या आएगा नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा इधर साइड में लिख लो, ये आपस में खत्म हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, 1 आएगा, ठीक है लिख लीजिए फटाफट जल्दी जल्दी से, किसी को कोई शंका है मन में तो बता दीजिए, बोल दीजिए अगर कुछ गड़बड़ है तो, सभी कर लेंगे 2x-3/5=7, अगला लिखिए 2x-3, अभी कोई कह रहा है कि मैथ पढ़ा रहे हो होम साइंस पढ़ा रहे हो, बच्चवा हो यहाँ पे सब कुछ चलता है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे मैथ भी चलता है होम साइंस भी चलता है इतिहास भी चलता है और जो चीज आप नहीं सोच सकते वो भी चलता है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता है यहाँ पे सिखाया जाता है, और सिखाने के लिए जो जो करना पड़ता है वो सब करते हैं। यहाँ पे क्या करना है x का वैल्यू फाइंड करना है, मान निकालना है, चलिए तो क्या करेंगे समझना, यहाँ पे हम लिखेंगे 1, देखिए एक चीज समझिए, अगर 3/4 एफ ए है और प्लस का 1/3 है और ये 3/4 है और बराबर का 1/3 है, दोनों में अंतर है, इसमें ऐसे क्रॉस मल्टीपल करते हैं और इसमें अगर आप क्रॉस मल्टीपल करते हो तब आपको नीचे नीचे का भी गुणा करना पड़ता बाद में, ठीक है समझ रहे हो ना, ये चीज आपको याद रहना चाहिए। तो वैसे यहां क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे,
वन का इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये वैसे का वैसे रह जाएगा, पांच का साथ में करेंगे तो ये 35 आएगा। अब ये 2x बराबर ये 35, ये माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे 35 3 38, ये जुड़ जाएगा, ये 2 इधर जाएगा भाग में आ जाएगा, x का मान 19 आएगा। सबसे पहला जवाब आया है क्यूट फिजा खान का, नहीं नहीं रवि कुमार उसके पहले हैं, प्रियंका ठाकुर जी हैं चौथे पांचवें छठे नंबर पे। ठीक है, बहुत अच्छे। अगर सबको समझ में आया तो बोलिए यस, हमें समझ में आ गया, यस 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 बोलते जाइए। सबको समझ में आया का भैया, आया वाया कि नहीं आया, आया ना, चलो लिख लीजिए, छाप लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ रहे हैं सरल समीकरण, आज का टॉपिक है सरल समीकरण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिख तो रहा है मुझे, बहुत अच्छे से दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है। अगला लिखिए 2 upon 3x minus 2 बराबर 0। यहां से x का मान बताओ, चलो जल्दी बताओ x का मान, दो भाग में बांट देते हैं इसे हम। जितने भी साथी जुड़े हैं वो सभी क्लास को लाइक जरूर करें, देखिए आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं आप उसे समझें, अगर आप करते हैं तो फिर अच्छा बात है, पुण्य होगा हा? और पुण्य का फल क्या होता है, कलयुग में ही धरती पे ही मिल जाता है, क्योंकि इतने ज्यादा इंसान हो गए, आबादी हो गई ना, अब भगवान ऊपर पुण्य और पाप का फल नहीं देते हैं, वहां पे दे ही नहीं पाते, इतनी ज्यादा जनसंख्या हो गई है, तो यही धरती पे ही मिल जाता है, इसलिए पुण्य कमाइए जिससे जिंदगी आगे खुशी रहे, मतलब हैप्पी रहे आप लोग, समझ रहे ना। तो क्लास को लाइक करके भी आप पुण्य कमा सकते हो। इसका सबसे पहला आंसर फिजा खान का आया है, पूजा मौर्य का भी आया है और राजन का भी आया है। ठीक है, 2/3x ऐसे लिख देंगे बराबर, ये 2 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, समझना, ये x ऐसे ही रहेगा, 2 को वैसे ही लिख देंगे जैसे है, इज्जत मान सम्मान के साथ। अब ये 2/3 जब इधर जाता है ना भैया, यहाँ गुणा में उधर भाग में हो जाता है, तो भाग में करके देख लो, ये 2/ आप समझना, ये बेचारा अकेले है, ठीक है, अकेले है, 2 जो है ये ऊपर वाला 2 क्या अकेले है, अंश हर में नहीं था, और ये बेचारे क्या है, दोनों जोड़ी में है, हा? तो अगर ऐसी स्थिति कहीं बनती है ना साथियों, तो ये यक्स बराबर हो जाएगा 2 × 3/2, ऐसे हो जाएगा, ये पलट जाता है फ्रैक्शन, याद रखना इसका सूत्र, आप ऐसे समझ लो कि अगर कहीं a/ab होता है बाबू, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है, का बन जाता है, मालूम है का बन जाता है, ab/a। ठीक है, ये याद रखना, ये सूत्र एक प्रकार से। रिवीजन हो रहा है मुन्ना, रिवीजन हो रहा है बाबू, चलो आज पढ़ाया जा रहा है, टेस्ट नहीं है। तो ये कट जाएगा तो x का मान क्या आएगा, 3 आएगा। एक चीज ध्यान रखना, इस तरह पेपर में डबल बराबर नहीं लगाना, नहीं मास्टर वा कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा तो 0 नंबर मिल जाएगा तुमको, इसलिए डबल बराबर नहीं लगाना, एरो लगा सकते हो। ठीक है, बात पक्की ना, आगे बढ़े, सभी समझ रहे हो ना मेरी बात को कि नहीं। अरे बीच में कम से कम हूँ हाँ बोले जाया करो, कुछ लोग बीच में खाना भी खा लेते हैं, हाँ कुछ चटपटा भी कर रहे हैं, साथ साथ में देखे जा रहे हैं, और मैं जूरे यहाँ चिल्लाया जा रहा हूँ, अब कोई पूछ भी नहीं रहा है, तो कम से कम कुछ तो बोला करिए, हूँ हाँ करा करिए, कि हाँ लगे कि हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग जाग रहे हैं, नहीं तो सो भी जाएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हाँ सो रहे हैं। जाग रहे ना सभी, जागते रहो, जैसे वो कहीं मैंने सुना था, जागते रहो जागते रहो। अच्छा वो किसी मूवी में सुना था, कहीं सुना था, जागते रहो, तो वैसे आप लोग जागते रहो भाई, नहीं तो कल से हम यहीं पे एक साउंड रिकॉर्ड करके रख देंगे, वो बीच बीच में बोलता रहेगा, जागते रहो जागते रहो।
चलें फिर आगे बढ़ें। हाँ हाँ हूँ हाँ हाँ कर रहे हैं। चलो ठीक है जाग रहे हो इसका मतलब सभी जाग रहे हो। चलो ठीक है। तो 3 + 4x इक्वल x + 9, इसमें बताओ x का मान। वॉचमैन का डायलॉग है। अच्छा अब मुझे नहीं पता था। आप लोगों को एक ज्ञान की बात बताएं ना, आप लोग किसी भी धर्म किसी भी समुदाय से हो लेकिन गीता का उपदेश जरूर देखा करें यूट्यूब पे। ठीक है, मैंने देखा था जो लोग भ्रमित हो रहे हैं विचलित हो रहे हैं अपने मार्ग से उनके लिए फायदेमंद रहेगा, समझ रहे हो ना। अब मैं आपको कमंडल लेके सन्यासी बनने को नहीं बोल रहा हूँ, जो कुछ कर रहे हो वो करते रहो जिंदगी में, छोड़ो मत कुछ, लेकिन उसे देखो जरूर। आगे बढ़े चलिए। इसमें से यक्ष का मान निकालने को कहा तो भाई लिंबो जी ने बता दिया कि 2 आया है, सुप्रिया जी ने बताया, अमृता भारती बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये 3 + 4x, लेकिन मैं पूरा पूरा क्यों लिखूं, हमें क्या करना है, यक्ष का मान निकालना है ना। तो ठीक है 4x पहले लिखेंगे इक्वल, ये भी गड़बड़ है। देखिए इसमें 2 तरह के पद हैं, ठीक है। एक तो ये वेरिएबल के साथ में है और एक अलग अलग है कांस्टेंट है, तो जितने वेरिएबल वाले हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे, यानी ये 4x और ये यक्स इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बीच में बराबर का चिन्ह है बराबर, और 9 जैसे है वैसे रहेगा, ठीक है। अब ये 3 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, देखो थोड़ा अरेंजमेंट हुआ ना, सही हुआ ना। अब ये इसमें से घट जाएगा तो 3x आएगा, और ये इसमें से घट जाएगा तो 6 आएगा। अब इसे थोड़ा इज्जत के साथ लिख दो सुंदर से, सुंदर का जमाना है, चलो सही लगा ना। अब यहां से अब नहीं बोलूंगा ज्यादा, 2 आएगा, ठीक है। ये जो सबका नाम ले लेके गुड इवनिंग कर रही ना, पढ़ पढ़ लो नहीं तो गुड इवनिंग काम नहीं आएगा। हाँ फेल हो जाए बुनते बोलबो ना करी है सब। वैसे वाकई में लड़कियां बहुत बोलती, मानना पड़ेगा। पहले तो क्लास में पढ़ते थे हम लोग तो बन बन बोलती रहती थी, और ये क्लास में पढ़ा रहे थे यहाँ भी, हाँ मतलब ऑनलाइन में वही हाल है। अब कमेंट में बोल रहे नहीं बोल पा रहे, पता नहीं वहां बड़बड़ा रही कि मुंह बंद करके बैठी है। अरे कुछ देर तो शांत रहिए, खाने में बकरियां जैसे हरदम कुछ ना कुछ चबाते रहो जो मिल जाए, बोलने में उससे भी आगे। चलो आगे लिखो। y/7+1 = 2, इसमें y का मान क्या आएगा। अब देखो अगर हम नहीं बोलेंगे ना तो फिर अभी तुम लोग कहोगे आवाज नहीं आ रही, नहीं तो कहो तो मैं ना बोलूं खड़ा रहूं। इसका जवाब दीजिए पहले, बताइए। नहीं बोलेंगे चकोटिए काटेंगे जो आगे बैठा रहेगा, है ना। हाँ तो मैं ये बोलता हूँ, हूँ हाँ बोलते रहो जब मैं क्वेश्चन का आंसर पूछूं। ये नहीं कि प्रीतिया क्या कर रही है, सुप्रिया नहाए कि नहीं नहाए है, स्कूल गए कि नहीं गए, हाँ रंग लगाए कि नहीं लगाए, ये सब मत पूछा करो, समझ रहे हो कि नहीं। केवल 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 हाँ हूँ बोलिए, आंसर का जवाब दीजिए, बस इतना ही बोलिए। यहाँ पे देखिए कैसे क्या करेंगे समझिए। ये y के साथ में है
बाकी ये नंबर सिंपल में है, तो सबसे पहले इसे हम ऐसे लिख देंगे y अपान सेवन, और ये टू का टू ऐसे ही रहेगा, ये वन इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अब ये y अपान सेवन इक्वल वन क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो कितना आएगा भाई, तिरछा गुणा हो जाएगा तो y का मान सात आएगा, सेवन आएगा। ये कोई तो सेवन अपान वाई बता रहा है, चलिए लिख लीजिए। अब इसको मैं मिटाता हूं इधर साइड में। वैसे उम्मीद है कि आप लोग अब सीख गए हैं, इसमें कुछ बताना नहीं है, कुछ नया पढ़ाया जाए क्या। लेकिन मुसीबत ये है ना कि आपके जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है डीएलएड वालों में, ये बहुत हाई फाई नहीं है, बहुत छोटा छोटा समीकरण है, इसलिए मैं ज्यादा बड़ा नहीं पढ़ा रहा हूं। समझ रहे हो ना? ये जो हूं हाँ लोग बोल रहे हैं ना, इससे मुझे एक चीज और याद आ रहा है। अगर आप किसी को खूब सारा मैसेज करते हैं, खूब सारा अपनी सारी बातें, सारी फीलिंग, सारी इच्छाएं सब कुछ बताते हैं, भेजते रहते हैं, और वो 10-20 मैसेज के बाद एक बार हूं बोल दिया या हाँ बोल दिया या अच्छा बोल दिया, तो आप समझ लीजिए कि आपकी सारी कहानी उसे समझ में नहीं आ रही या पसंद नहीं आ रही। ये चीज याद रखिएगा, बड़े अनुभव के साथ बता रहा हूं, आप समझ लीजिए, ठीक है? कोई भी हो, चाहे वो गर्ल्स बॉयज हो या बॉयज गर्ल्स हो, कोई भी हो, ठीक है? चलिए आगे बढ़े, ये भी एक ज्ञान है आज के लिए, आपके लिए जरूरी है। यहां दिख रहा है ना, हाँ, इसमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। अब बताइए, इनका फैक्टर कर लेंगे आप लोग, ये अलग है, ये अलग है, बिल्कुल अलग है। इसको एक आध दो बता देता हूं, फिर आप लोग करते रहिएगा, क्योंकि इसको बताते बताते मैं खुद उब गया, अब अच्छा नहीं लग रहा इतना सारा, कितना हल करवाएं। साथियों, इसमें क्या होता है, जो बीच वाला पद होता है उसको दो भाग में तोड़ा जाता है, ठीक है? बीच वाले पद को दो भाग में तोड़ते हैं और फिर इस तरह से निकालते हैं। देखिए, ये फाइव है ना और ये सिक्स है, तो ये फाइव को हम ऐसे लिखेंगे प्यार से, और सिक्स को भी वैसे ही लिखेंगे। अब हम कोई दो ऐसी गिनती पकड़ते हैं, खोजते हैं, जो इधर वाली है ना वो गुणा करने पे आएगी, यानी जिनको गुणा कर दें तो छह आ जाए और जोड़ दें तो पांच आ जाए। ये हमें खुद से सोचना पड़ता है। बताइए, कोई दो गिनती जिनको गुणा कर दें तो छह आ जाए, जोड़ दें तो पांच आ जाए, क्या आपको कुछ याद आ रहा है? तीन दूना छ और तीन दो पांच होता है ना। तो ए भाई, ऊपर मत गिर यार, वैसे भी काला पहले से हूं। देखो, ये x का स्क्वायर प्लस पांच की जगह पे हम लिख सकते हैं तीन धन दो, और ये x बाहर से ऐसे रहेगा, छ ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है? बराबर की जगह बराबर, x का स्क्वायर और ये प्लस तीन का x में गुणा होगा तो तीन x, और धन दो का x में गुणा होगा तो दो x, और ये धन छ। समझ में आया ना, ठीक है? अब इसमें क्या करते हैं, x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस थ्री बचेगा, और फिर इसमें दो कॉमन हो जाएगा तो x प्लस तीन बचेगा, यानी फाइनल में क्या होगा, ये x प्लस तीन और x प्लस टू एक आंसर आएगा। आप लोग मुझे ये बताओ भाई साहब कि नंबर 38 इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, मतलब अपवर्तक। दीपाली विश्वकर्मा जी, गुड इवनिंग, आपका कमेंट आ रहा है। मनोज महतो, रवि कुमार और धावन राजा, अनीता, पीहू, रुचि, मनोज, चंदन, सुरजीत जी, आपका भी कमेंट आ रहा है। पूनम ठाकुर जी, आपका भी कमेंट आ रहा है। मधु, बिमलेश राज, सबका कमेंट आ रहा है।
जब आप दीजिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये पानी है भाई, कुछ और नहीं है। हाँ, एक दिन पूछ रहा था कि आप क्या पी रहे हैं। अच्छा, पानी पी रहे हैं इसलिए कह रहे हैं नींद आ रही है। हाँ, थोड़ा बहुत लग तो रहा है अंदर से एहसास की नींद आने को चाहती है, लेकिन मैं आने दूंगा तब आएगी ना। हेल्प चाहिए थी। चलिए क्लास में पहले चलते हैं। फिलहाल नीचे नंबर दिए गए, उन पे कांटेक्ट करिए। जिन लोगों को पर्सनली हमसे बात करना है, क्लास के लास्ट में हम अपना नंबर देंगे, आप लोग उस पे कांटेक्ट करिएगा। लेकिन अभी उसके लिए क्लास देखिए। देखिए 38 का अगर हम अपवर्तक की बात करें तो वो नंबर इसका अपवर्तक होगी जिससे इसमें भाग करने पर शेषफल जीरो आए। तो जैसे अगर हम 1 से इसमें भाग करेंगे तो शेषफल जीरो आएगा, 2 से भाग करेंगे तब भी जीरो आएगा, और एक नंबर और होगा जिसे बोलते हैं 19, और एक नंबर और बच रहा है वो है 38। ये आप सबको पता है ना, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? नहीं। पूजा मौर्य जी आपका सही है, लेकिन पूरा सही नहीं है, अधूरा है। ठीक है, तो मुख्यतः हमारा जो आज टॉपिक है वो अपवर्तक तो नहीं है, लेकिन रिवीजन हो रहा है तो रिवीजन में बहुत कुछ हो जाता है। बाकी टॉपिक आज है 4 या 5 अंकों का एलसीएम। ठीक है, ये देख रहे हो पता नहीं कहां से फोन साइलेंट नहीं किया, ये सब रात विरात दिन फाट पड़े एकदम से। आज मैं इनका उठा ही लेता हूँ। हेलो, आपको बोलने में शर्म लग रही भाई, तो रखिए। अब वैसे भी फोन नहीं उठना था इतना रात में। चलो, अब दोबारा नहीं उठने वाला है। आइए, 4040, इसके कितने अपवर्तक हो सकते हैं? आप लोग कोशिश करिए, तब हम आप बात करते हैं मेन टॉपिक पे। संख्या 10, 18 और 20 का एलसीएम गुणनखंड विधि से। कौन सा विधि से? गुणनखंड विधि यानी फैक्टर मेथड से। एक बात मैं आपको और याद दिला दूं, ये क्लास सिर्फ उनके लिए होती है जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आता है या उनको मैथ बहुत कम आती है। अगर आपको मैथ आती है यानी गणित आपको आती है ठीक ठाक, तो ये क्लास आपके लिए नहीं है। यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट ना करें, नहीं तो आप हमको गरियाएंगे, हम आपको गरियाएंगे, तो फायदे का होगा? समझ रहे हो ना, वैसे तो हम नहीं गरियाएंगे, फिलहाल हम अच्छे बच्चे हैं। चलिए बात करते हैं अब इनका फैक्टर मेथड से, किस तरह से हम लोग एलसीएम निकालेंगे। कृष्णा सिंह ने जवाब दिया है भाई, बहुत अच्छे कृष्णा, 1, 2, 2, 4, 10, बहुत अच्छे, वेरी गुड। किसी का नाम लेके कोई कमेंट ना करे, मिस्टर अशोक कुमार तुम्हें लास्ट वार्निंग मिल रही है। ठीक है, किसी का नाम लेके कमेंट ना करो कोई प्रकार का, ये बात अपने दिमाग में रखे रहो, नहीं तो यहाँ पर एक सुविधा और भी है जिसे कहते हैं ना, ब्लॉक कर दिया जाता है। कोई किसी का नाम नहीं लेगा। अब नंबर लेते हैं, एक एक इनके फैक्टर करेंगे, यहाँ साइड में इधर ही कर देते हैं। 10, 18, 20, क्या आप लोग इनका एलसीएम कर सकते हैं? एलसीएम कर सकते हैं इनका कि नहीं, बोलो। आइए मैं बात करता हूं। पहले तो अगर हम मोटा मोटा बात करें इनके एलसीएम की, तो वो कौन सा नंबर होगा जिनका एलसीएम जो है, एक मिनट भाई रुक जाओ यार, इसे ब्लॉक करो यार, काहे नहीं आप लोग कर रहे हो भाई, किसी को डिस्टर्ब ना करो, इसे ब्लॉक करो तुरंत। कहाँ गए सब, हैं कौन लोग? नहीं आयुषी, आप मॉडरेटर है ना, इनको ये अशोक कुमार को ब्लॉक करिए, इनको ब्लॉक करिए, इनके कमेंट पे क्लिक करके पुट यूजर होल्ड करिए इनको 5 मिनट के लिए। एक मिनट, देखिए और आगे इसमें कुछ और भी चेंजिंग कर देते हैं, रहने दो यार, नहीं तो ये लोग कहेंगे गड़बड़ कर रहे हो। चलो ठीक है, इनके फैक्टर करेंगे तो 2 × 5 होगा। इनके फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2, 3 और 3। ठीक है, समझते जाइए, इनके फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 × 5।
साथियों देखिए, जब दो से अधिक नंबर हैं और उनका गुणनखंड विधि से अगर एलसीएम हो रहा है, हा? गुणनखंड विधि से अगर एलसीएम हो रहा है तो क्या करते हैं मालूम है? यहां पर लिखिए एलसीएम, पहले देखेंगे कि कोई डिजिट तीनों में कॉमन है, देख लीजिए, तो वो है टू। टू देखिए दोनों में, तीनों में कॉमन है, तो इस कॉमन वाले सीरीज से एक टू यहां पर लिख लेंगे। अब देखेंगे कि कोई डिजिट दो में कॉमन है क्या? हाँ, दो में कॉमन है, वो कौन है? पांच। तो इस पांच की सीरीज से एक यहां लिख लेंगे। अब देखेंगे क्या कोई दो ऐसा नंबर है जो और भी कहीं कॉमन है, बोलिए यस। कोई ऐसा नंबर है? दिख रहा है कि नहीं आपको? नहीं है ना। यानी अब जो बच रहे हैं लास्ट में उनको भी लिख लिया जाता है, यही तो उस दिन बताया था, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन ये गड़बड़ जा रहा था। आप लोग ये बताओ करके कितना आएगा एलसीएम इस तरह से, सही है कि नहीं? करिए, मैं इधर साइड में कमेंट देख रहा हूं आप लोगों का, कितना आएगा, कितना आएगा भाई, करके देखो। इसको मल्टीपल कर लो, मैं इनका एलसीएम एक साथ में करके दिखा देता हूं यहाँ पे कितना आएगा। 10, 18, 20। देखिए एलसीएम वो गिनती होती है जिसमें इन तीनों से भाग दिया जाए तो पूरी तरह से कट जाए, मतलब जीरो शेषफल आए, ठीक है? मतलब जीरो शेषफल आए, पूरी तरह से कट जाए कंप्लीटली। 60 नहीं हो सकता इसका एलसीएम, 60 नहीं हो सकता है, क्योंकि वो 18 से नहीं कटेगा, 18 से भी कटना चाहिए, बड़ी अजीब टाइप की नंबर होगी वो, 60 वाट नहीं होगा। चलिए इसको देख लेते हैं पहले, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, ये 10 आएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 × 5 = 10, 3 से आप इसे काट सकते हैं, तो 5 ऐसे रहेगा, 3, 5, फिर 3 से, तो ये 5 ऐसे रहेगा, फिर से 5 से, 2 × 4 = 12, और 12 × 3 = 36, 36 का 5 में गुणा करेंगे कितना होगा पता है आपको? ये 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 15, 3 × 18, 180 इसका आंसर आएगा, सही जवाब है 180। हाँ, दो का जोड़ा बन रहा है यहां पर कोई कह रहा है, लेकिन ये एक ही डिजिट में है तो ये एक में जोड़ा नहीं बनता है भैया, किसी की शादी भी अपने घर में नहीं हो जाती है, समझ रहे हो? बस ऐसे समझ लो तुम, ये अलग अलग होना चाहिए जोड़ा, एक इस नंबर से है तो एक इस नंबर से होना चाहिए, ऐसा नहीं एक में हो जाए, नहीं उसका जोड़ा नहीं बन रहा है। समझ रहे हो ना? इनका गुणा कर लो, 2 × 4 × 8 = 24, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, फिर क्या, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 20, बीस तिहाई कितना हो जाएगा, 60, 7 × 3 = 180, सही तो है, 180 आ रहा है, सबको समझ में आया? उमेश गुप्ता जी ठीक है, बहुत अच्छे। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, दो अंकों से अगर अधिक हैं तब उनका भी एलसीएम कर लेंगे, इसे गुणनखंड विधि बोलते हैं, इसे भाग विधि बोलते हैं, इधर वाला आप लोग बताइए कौन सा विधि ज्यादा आसान है, ये गुणनखंड वाला आसान है या भाग विधि आसान है, फटाफट लिख लीजिए। देखिए एलसीएम वो गिनती होती है जिसमें दी गई संख्याओं से भाग देने पर पूरी तरह से कट जाए, जीरो शेषफल आए। आपको एक बात बताना चाहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का जो कोर्स खत्म हो गया है, तो हमारी कोशिश है कि अब कुछ और भी सेमेस्टर वालों को पढ़ाया जाए ना, सेकंड थर्ड वालों को नहीं। आप लोगों का ये रिवीजन कराते कराते मैं खुद बोर हो गया, मतलब आप समझ लीजिए इसमें कोई ज्यादा हाई फाई कुछ तो है नहीं, हा? तो क्या किया जाए बताइए, बहुत ही एकदम लो लेवल का मैथमेटिक्स है इसमें, इसको बार बार करवाते करवाते कुछ लोग हमारे जो परिचय वाले देखते हैं वो हमें बहुत बोलते हैं कि भाई ये का हमेशा जोड़ घटाना बताता रहता है, हर समय यही बताता रहता है, मतलब कुछ आता जाता नहीं क्या आपको? हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ ना कुछ आपको सुपर टेट वगैरह की क्लास मिले, सी टेट वगैरह की मिले, और कुछ नया हो, सही रहेगा ना? बहुत से छात्र यूपी पुलिस और यूपीएसआई की क्लास वगैरह चाहते हैं,
क्योंकि उनको बड़े बड़े विज्ञापन दिख रहे हैं कि आने वाले हैं, तो कुछ अलग चलेगा तो ठीक रहेगा ना। आगे चलें, आप लोग मुझे मालूम है ये सब आ रहा है आप लोगों को, फालतू का बातचीत नहीं। चलो 25, 60 और 75 का गुणनखंड विधि से एलसीएम बताइए। कितने लोग कर लेंगे भैया? कृष्णा सिंह ठीक है, बहुत अच्छे। मोनिका यादव जी, राधे राधे। होली तो हो गई खत्म। पूजा मौर्य, देखिए स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, अगर आपको कोई अलग से हेल्प चाहिए तो उन पे कांटेक्ट करिए, या फिर आप पीबीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करके बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ सीख सकती हैं अच्छे से ढंग से। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। इनके पहले फैक्टर करिए, 25 के फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 आएगा, और फैक्टर कराना मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। 60 के फैक्टर करेंगे क्या होगा? 2 × 2 भाई, एक बार इसको 2 से भाग करोगे 30 आएगा, फिर दोबारा 2 से भाग करोगे 15 आएगा, फिर 3 हो जाएगा और फिर 5। 2 × 2 = 4 = 3 = 12 = 5 = 60, ये 5, 5 से काटेंगे तो 5 × 5 = 25। भाई कुछ गड़बड़ जा रहा है मुझे लग रहा है, ये 3 से भी तो कट सकता है, 3 × 5 = 15 × 5 = 75। चंदन राजपूत जी, आ रहा समझ में? हो जाएगा ना? कितना आंसर आया, कोई बताया नहीं। हाँ अब देखिए इनके पेयर देखते हैं कहाँ कहाँ बन रहे हैं। देखो 5 का पेयर बन रहा है, 5 का तीनों में बन रहा है, और कोई 5 तो है नहीं है, ये 2 में पेयर बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें। अगर कोई 2 digit 2 में भी कॉमन होता है ना तो उसको भी बना लिया जाता है, चाहे वो जहां से हो। उसी तरह ये 3 का भी हो रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ एलसीएम लिखेंगे, पहले देखेंगे वैसे तो इन्हें अलग अलग बनाना चाहिए। ये 5 5 के जो सब में पेयर थे उनको बनाया गया था वैसे गोला गोला, इनको ऐसे बना लो, हाँ इनको त्रिभुज रूप में बना लो, ठीक है। ये अलग अलग थोड़े लगने चाहिए। देखो गोला गोला वाले का भैया कितना जोड़ा बना, एक ही बना है ना, 1 5 इसमें से हो गया, ये किए वर्ग वाले से 5 हो गया, ये किए 3 हो गया इसमें से, बाकी जो 2 बच रहे थे ये दोनों, इनको भी ऐसे लिख लिया। रवि कुमार 450 आ रहा है, शोभित कुमार, अशोक कुमार, पंकज, निखिल, बिमलेश, राजीव, कृष्णा सिंह, बहुत अच्छे, वेरी गुड। 5 × 5 = 75, 75 का 4 में गुणा कर लीजिए, 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 28 × 2 = 30। क्यों भैया हमारा गड़बड़ जा रहा है का? छोटा से छोटा गिनती होगी, ये जो 450 बता रहे हैं क्यों, जब 300 हो सकता है तो 450 क्यों जाएगा? 300 आ रहा है तो ये 450 और 450 का एको बता रहे हो भाई? एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, छोटे से छोटा गिनती होनी चाहिए। पहले बताओ ये मल्टीपल वगैरह सही है कहीं गड़बड़ है, करके देखो। देखो एलसीएम का मतलब इन तीनों डिजिट से वो पूरी तरह कट सके बस, तो भाई सिंपल सी बात है, अगर 300 आता है तो सही है। क्यों? क्योंकि 20 से 25 से भाग करेंगे 300 कट जाएगा आराम से, 60 से भाग करेंगे सीधा सीधा कट जाएगा, 75 से भाग करेंगे 4 बार में ये भी कट जाएगा, सबसे कट रहा 300 होगा, 450 नहीं होगा। दीपाली विश्वकर्मा, सबसे पहले ना तुम ही बताई थी 450। सर एक 5 रह भी तो गया, कहाँ रह गया, कहाँ कहाँ रह गया भाई, हवा में जा रहा है क्या वो? अरे ये 2 बार 5 था, यहाँ पे 61 ही था, यहाँ पे 2 बार था ना,
तो समझिए, ये गोला वाला एक जोड़ा बना है, इस जोड़े से एक पांच मैंने निकाला। हाँ, ये वर्ग वाला एक जोड़ा बना है, इसमें से एक पांच निकाला। और त्रिभुज वाला ये तीन वाले का एक जोड़ा बना, इसमें से एक तीन निकाला, कहाँ पांच बचा है? कुछ नहीं बचा है, आप ध्यान नहीं दिए। छाप लीजिए, फटाफट छाप लीजिए भाई। सीखा शुक्ला है, एक पांच रह गया, कहाँ रह गया भाई? अरे एक, मेरा तो दिमाग पागल हो जाएगा इन लोग के पीछे। चलो ठीक है, गलत हो जाएगा ना एलसीएम, ऐसे समझ लो। अगर आप पता नहीं कहाँ रह गए, इन लोग का खोपड़ी में क्या बसा है, इधर समझ लो। उधर दिख रहा है, आगे दिख रहा है ना? यहाँ आ जाओ, इधर इधर देख लो। इधर अगर हम भाग विधि से करके दिखा दें तब भी तो वही आएगा। भाग विधि से कर लीजिए, देखिए। अगर इनको हम पांच से काटेंगे सबसे पहले, तो 5 25, क्योंकि हमें जल्दी निकालना है, तो हम बेसिक रूल फॉलो नहीं करेंगे। नहीं बेसिक करेंगे तो दो दो से काटेंगे पहले ढेर बार। हाँ, समझ रहे हो ना? उसके बाद फिर क्या करेंगे? 3 से काटना पड़ेगा। चलिए निकाल के दिखाई देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, फिर मैं करता हूँ। इधर साइड में जगह कम है ना। आइए, इनका एलसीएम 300 आ रहा है। गुणनखंड विधि से, भाग विधि से भी कर देता हूँ। पच्चीस, साठ, पचहत्तर। चलिए इनको पहले दो से काटेंगे, क्योंकि ये 25 तो दो से कटेगा नहीं, ये 30 आ जाएगा, ये 75। फिर दो से काटेंगे, ये 25, ये 15 हो जाएगा, ये 75। अब देखिए, ये 3 से डिवाइड हो सकता है, बोलो हो सकता है कि नहीं? हाँ भाई, फालतू कमेंट वाले को ब्लॉक करते जाइए आप लोग, जो मॉडरेटर लोग हैं। 3 से देखो 25 कटेगा नहीं, तो ये 3 5 15, और ये 3 2 6, 3 5 15। आप क्या करेंगे? 5 से 5 25, 5 1 5, 5 25, फिर 5 से कटेगा। और जो ज्यादा ही फालतू टाइप का कमेंट करे ना, उसे हाइड कर दीजिए। उसमें एक ऑप्शन आता है ना, हाइड यूजर, हाइड कर देंगे तो परमानेंट हाइड हो जाएगा, फिर कभी कमेंट नहीं कर पाएगा जिंदगी में। ठीक है, चलें आगे बढ़े। ओके, थोड़ा सा रुकना भाई। चल तो रहा है क्लियर ना? 1 मिनट 1 मिनट, मुझे कमेंट देखने दीजिए कुछ। ये निवेदन करने वाले नहीं है, ये इंसान नहीं है, ये इंसान है नहीं। नीचे लिखिए एलसीएम, 2 × 2 × 3 × 5 × 5, 2 2 4 3 12 5 60, 60 5 कितना आएगा? 300। इसमें भी तो 300 आ रहा है ना। आ रहा है ना? चलिए, मिटाएं तो ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग अपवर्त जानते हैं कि नहीं? अपवर्त, जैसे मैं बोलूं कि 4 का कोई 5 अपवर्त बताइए, ये वाला, ये अपवर्त यानी मल्टीपल। अगर इंग्लिश ना बोलें तो ये थोड़ा कठिन है वर्ड। 4 यानी 4, 4 के कोई निम्नलिखित, मतलब 4 अपवर्त बताइए, कोई भी आप बता सकते हैं। अच्छा, कोई ये बता सकता है? कोई ये बता सकता है कि
अपवर्त की संख्या कितना हो सकती है, मतलब किसी भी नंबर के कितने अपवर्त हो सकते हैं बताइए। आप ऐसे समझ लो कि अपवर्त जो है ना इच्छाएं होती इंसान की। आप कहो कि किसी इंसान की कितनी इच्छा है, मतलब कुछ भी मिले अगर आपको, जैसे किसी को पैसा रुपया की इच्छा है, हाँ सुख सुविधा और खाने पीने की, कपड़ा, शौक सिंगार, जो भी चीजें हैं, तो ये कभी पूरा नहीं होती है। जो इंसान साइकिल से चलता है पहले वो बाइक की मतलब गुजारिश करता है, सोचता है कि बाइक हो जाए तो अच्छा रहे। बाइक मिलने के बाद वो कार की, हाँ कार के बाद भी और अच्छी अच्छी कार, फिर उसके बाद डायरेक्ट प्लेन, अब भाई रोड पे नहीं मजा आ रही, समझ रहे हो ना। कभी ये इच्छाएं पूरी नहीं होती, अनंत होती है ना। वैसे जो अपवर्त होते हैं वो कितने होते हैं, देखिए शिखा शुक्ला ने बताया 4, 8, 12, ठीक है अनलिमिटेड। तो अगर हम 4 के सभी अपवर्त लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, बताइए। अच्छा 19 का कोई 5 अपवर्त लिखिए, 5 अपवर्त बताइए बताइए। कोई 5 अपवर्त बताइए। देखिए अपवर्त का मतलब होता है पहाड़ा, मान लो मल्टीपल यानी उसका टेबल। अब जिन लोगों को पहाड़ा आता ही नहीं उन लोगों के लिए मुसीबत है, और आपके परीक्षा में जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले छात्र हैं उनके आ सकता है, पूछा जा सकता है, इस बात को याद रखना, अपवर्त आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़े तो इसके 4 अपवर्त कुछ भी आप लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, 8, 12 डॉट 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 कुछ भी। ऐसे 19 का कुछ भी लिख सकते हो, मैंने 4 ही पूछा है, 57 जरूरी नहीं कि आप सीरियल से ही लिखो, कहीं से भी लिख सकते हो, क्योंकि सिर्फ 4 पूछा गया था, ओनली 4 पूछा गया था ना, ठीक है, समझ रहे ना आप लोग। तो कुछ भी आप लिख सकते हो, ये 190 भी लिख सकते हो, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। आप लोग अपवर्त और अपवर्तक में अंतर समझ गए कि नहीं, अंतर समझ गए ना, हाँ अच्छा समझ गए हो तो भैया इनके अपवर्तक बता दो, 4 के अपवर्तक। बताइए देखिए इनके अपवर्तक का मतलब ये है कि जिन जिन संख्याओं से ये 4 कंप्लीटली डिवाइड होगा वो अपवर्तक होंगे, लेकिन जो जो संख्याएं 4 से डिवाइड होंगी वो अपवर्त होंगी, समझ रहे हो ना, हाँ समझ गए ना। यानी जो आपको पढ़ाएगा वो आपका टीचर होगा, गुरु होगा, और जो गुरु से पढ़ेगा वो क्या होगा, छात्र होगा, स्टूडेंट होगा, है ना, यही तो होगा हमारे समझ से, समझ गए ना। जमशेद शाह कुछ समझ में आ रहा थोड़ा बहुत, प्रियंका, खुशबू राठौड़, ठीक है आइए। तो इसके 1, 2, और 4 हो सकते हैं, बस 3 नहीं होंगे, 3 से ज्यादा नहीं होंगे, इनकी संख्या लिमिटेड होती है, इनकी संख्या लिमिटेड होती है, ये भैया अनलिमिटेड होते हैं। ये कब तक रिवीजन करवाया जाएगा, कुछ नया बचा है नहीं इसमें, क्या करवाऊं मैं, कुछ 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 नया बचा नहीं है तो क्या क्या करवाया जाए। हाँ चलिए वो बताइए, एक और बताइए, रिवीजन में तो बहुत कुछ हो सकता है। अभाज्य संख्या जानते हो ना आप लोग, और भाज्य जानते हो, तो ये बताओ भैया 60 से लेकर के 75 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। कुछ लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, 60 से 75 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं,
देखिए आरएस अग्रवाल की आपकी डीएलएड की भी बुक आती है ना, हो सकता है आप लोग के पास ना हो, बहुत पहले पुरानी आती थी, मैंने रखा है। उसमें क्या है ना, जितना भी इसमें है वो, सॉरी आरएस अग्रवाल नहीं, अग्रवाल पब्लिकेशन, उसमें आपका एज वाला क्वेश्चन नहीं है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जो सिलेबस में है वही तो पढ़ाएंगे। किसी को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? यार ये कुछ ऐसे नालायक टाइप के जुड़ जाते हैं ना, जो बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं कमेंट में। इसको हाइड करिए, परमानेंट हाइड करिए। जो फालतू कमेंट करे उसको समझाइए मत। बिने न मानत जलत जड़ गए तीन दिन बीत, वही हाल है इनकी। ये बिने नहीं मानते भैया, निवेदन से मानने वाले है नहीं ये। चलिए अब आगे बात करते हैं। इसमें मैंने कहा कि 60 से 75 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो वो आपका एक 61 हो सकता है, 61 हो सकता है ना। क्यों 61 किसी से कटेगा क्या? नहीं, 63 कट जाएगा 3 से, तो 63 नहीं होगा, याद रखना। 67 हो जाएगा, 69 भी नहीं होगा। प्रीति क्रिएशन गलत है आपका, 69 3 से डिवाइड है, ठीक है। तो 71 और 73 भी हो जाएगा हमें लगता है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? कोई नंबर है जो डिवाइड हो सकता है क्या? प्रिया कुमारी, अशोक कुमार, वंशिका कुशवाहा, ठीक है। अब काय मुंह बना रही जो गलत बताई तो। यानी 60 से लेकर 75 के बीच में जो संख्याएं अभाज्य हैं वो केवल 4 संख्याएं हैं। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, 57 को लोग अभाज्य बता देते हैं। यानी जो संख्याएं विषम हैं ये कहते हैं कि वही अभाज्य हैं, ऐसा लगता है कभी कभी हम लोग को, लेकिन जो हमें लगता है वो होता नहीं अक्सर। समझ रहे हो ना? और जो होता है वो लगता नहीं है। उस दिन आप लोगों को बताया था ना कि एक कहानी बताने वाले हैं, याद है सभी को कि नहीं? अक्सर लोगों को पता होगा ना, वो बताएंगे तब आपको मालूम चलेगा कि जो लगता है वो होता नहीं। चलिए एक और बताइए, 75 से लेकर 100 तक इसके बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 75 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, वो कौन कौन सी हैं? जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। कब से वेट कर रहे हैं कहानी का, इंतजार करने का मजा ही कुछ और होता है अगर इंतजार अच्छी चीज का हो रहा है तो। चलिए देखो देखो, सब पढ़ाई छोड़ के अब कहानी बताओ। कहानी नहीं नहीं कहानी नहीं, वो दुख वाली कहानी नहीं है, सुख वाली भी नहीं है, वो सीख वाली कहानी, एक ऐसी स्टोरी जो आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी। बस इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आंख बंद करके कोई चीज पर, कोई वस्तु पर, कोई इंसान पर, किसी प्राणी पर बिलीव नहीं करना चाहिए। बस आंख बंद करके, आंख खोल के करना चाहिए, समझ गए ना? बस एक ही इसका उद्देश्य है। उस कहानी को सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ सही बोल रहे हैं, अभी तो लग रहा होगा फालतू बोले जा रहा है। चलिए इसमें आते हैं, चलिए ठीक है, यहाँ पे अभी लास्ट में बता देंगे, आज लास्ट में बता देंगे, पक्का बता देंगे, ठीक है। इसमें अगर बात करें कौन कौन से अंक हैं अभाज्य हैं, तो 77 तो है नहीं भैया, 77 तो है नहीं, 77 अभाज्य नहीं है, 11 से डिवाइड हो जाएगी, 7 से हो जाएगी। ये क्या नाम इनका, प्रियंका, ये 77 बता रही गलत है, जो भी 77 को शामिल किया उसका गलत है।
79 हो जाएगा मुझे लग रहा है, अगर किसी से ना कट जाए तो। ये हो जाएगा 80, 81 भी नहीं होगा, 83 हो सकता है शायद, याद दिलाना अगर कोई किसी से डिवाइड हो रहा है तो, मुझे नहीं लगता कटेगा। 3 दूना 6, 2 बचेगा 23, नहीं कटेगा ना भाई। ये 75 से शुरू करना है 100 तक, ये 75 के पीछे का नहीं देखना है। ट्वेल्थ में कहते थे, अच्छा चलो। अब 84, 85, 86, 87 भी हो जाएगा मुझे लगता है क्या? नहीं, 87 जो है ये भाज्य संख्या है या भाज्य नहीं है? क्या है ये? ये भाज्य संख्या है, भाज्य नहीं। एट्टी एट 89, 89 है। एटी नाइन। उस कहानी को सुनने के बाद लड़कियां हमको गरियाएंगी और लड़के खुश हो जाएंगे, बस इतना जान लो। अब फिर भी सुनना चाहते हो तो बोल देना हाँ, इसलिए नहीं सुना रहा हूं क्योंकि इसमें लड़कियों की अधिकता है, लड़के कम है। 90, 91, 92, 93, 93 भी नहीं होगा, 94, 95, 96, 97 भाई बहुत कम संख्याएं हैं अभाज्य। जैसे संख्याएं अभाज्य में कम है ना, उसी तरह से दुनिया में ईमानदार और वफादार लोगों की भी कमी है, समझ रहे हो ना? अब देखो 75 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी मिली? सिर्फ 2 या 3 थी, मिल रही 4-5 थी ना। इसी तरह से इस दुनिया में ईमानदार और वफादार और सच्चे लोगों की भी कमी है, क्योंकि वो क्या होते हैं? अभाज्य होते हैं, प्राइम होते हैं, जैसे मैं हूं। तो क्या लग रहा है तुम लोगों को ऐसे गड़बड़? ठीक है, 98, 99, 100 बस खत्म। 93 मैंने लिखा भी तो नहीं है, 93 कट जाएगा। हाँ कुछ लोग कंफ्यूजन होते हैं कुछ लोग कंफ्यूजन में रहते हैं 93 के। भैया वो 93 ये उसी तरह से है, ऐसे समझ लो। जो लोग देखने में बड़े सीधे साधे लगते हैं, भोले भाले लगते हैं, वो मासूम चेहरा और आगे क्या बोलते हैं, निगाहें फरीबी। सुने हो ना ये गाना? बहुत पहले मैं सुना करता था कभी कभी, तो ये उस तरह से है, समझ रहे हो? वैसे ये नंबर भी है जो देखने में तो अभाज्य लगता है लेकिन होता नहीं, समझ रहे हो ना? देखने में, सुनने में, सोचने में ये लगता है कि अभाज्य है लेकिन ये होता नहीं, मतलब बड़े छुपे रुस्तम होते हैं ये, समझ रहे हो ना? इनको अक्सर लोग पहली नजर में जान जाते हैं कि ये अभाज्य संख्याएं हैं। बताओ जान जाते हैं कि नहीं? ना जान जाते हैं ना, जैसे कोई देखेगा या कहीं आएंगी तो हमें नजर में लगेगा ये अभाज्य है, लगता है ना लेकिन होता नहीं है। ऐसे कुछ इंसान भी होते हैं जो देखने दाखने बड़े भोले भाले लगते हैं, उनकी बातचीत, रहन सहन, उठक बैठक, हर चीज बहुत अच्छा लगेगा लेकिन अंदर अंदर वो बड़े खतरनाक होते हैं, समझ रहे हो ना? लेकिन कुछ ऐसे नंबर हैं जो बिल्कुल खुल्लिम खुल्ला सब जानते हैं कि वो अभाज्य नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 90 लिख दिया, ये 98 लिख दिया, 94 लिख दिया, इनको सब जानते हैं, फेमस है ये। ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग समझिए। तो हाँ, इसमें और भी नंबर हैं, और भी नंबर हैं। कौन से? जैसे 77 को कुछ लोग लिख रहे थे, ये भी लगता है वैसे लेकिन है नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इससे आप लोग एक और भी चीज सीख जाएंगे, सांप की तरह होते हैं। चलते हैं फिर, आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं कोई मिलेगा तो मुझे भी मिलवा देना है काठी, चलो ठीक है। ये जो लोग पूछ रहे हैं तो उनको बताऊंगा भाई कहाँ है, अभी है नहीं तो कहाँ से बताऊं, अभी जब है नहीं तो कहाँ से बताऊं। हाँ तो आप लोगों को एक बात बताएं, मेन मतलब की बात पे आते हैं अब सुनिए 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 सुनिए, कहानी नहीं बताएंगे। आप लोगों की 23 मार्च से नई क्लास शुरू हो रही है, कोई प्रकार की अगर इंक्वायरी है तो नीचे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट करें। और जो लोग कहते हैं कि हमें हम ही से बात करना है, काफी हैरान परेशान कर देते हैं हमारे साथियों लोगों को, जो लोग बातचीत करते हैं उनसे निवेदन है, ये मैं नंबर दे दे रहा हूँ, इस नंबर पे वो लोग मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, इसका रिप्लाई अक्सर मैं ही करता हूँ, ठीक है? 94, 55, 63, 38, 37।
लेकिन निवेदन है कि इस पे फोन कॉल या मैसेज मतलब डायरेक्ट ना करें और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ पढ़ाई वाली, अगर कुछ भी कहना है इसका रिप्लाई मैं खुद ही करता हूँ, लेकिन कोई वीडियो कॉल या फोन कॉल नहीं करेगा, फालतू मैसेज नहीं करेगा, ये आपसे निवेदन है, ठीक है। अब तक मैं इसका 2 घंटा रिप्लाई करता था लगभग, अब मैं ही करता हूँ, क्योंकि पेमेंट वाले अक्सर बच्चे इसी में रहते हैं जो पेड किए हैं, तो उनको प्राथमिकता देना हमारा दायित्व तो होता है कि वो किसी तरह से असंतुष्ट ना हो, तो इसलिए मैं देखता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं जल्दी से रिप्लाई नहीं करता हूँ, तो आप लोग हैरान ना हुआ करें, ठीक है। इस पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी सामान्य जानकारी के लिए जो नंबर नीचे चल रहे हैं उन पे आप कांटेक्ट करिए, कभी भी किसी भी समय आपको रिप्लाई मिलेगा। हमारे 3 मित्र लोग लगे रहते हैं आपके काम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।